संजय गांधी अस्पताल एवं गांधी स्मारक अस्पताल के कर्मचारियों को दिया गया फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण, बताए गए आपात स्थिति से बचने के तरीके। आपको बता दें कि संजय गांधी और गांधी स्मारक चिकित्सालय के कर्मचारियों को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि यदि अचानक आगजनी की घटना होती है तो उन्हें तत्काल किस तरह से कार्य करना चाहिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद रीवा सहित पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी की ऑडिट के साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही संभाग आयुक्त अनिल सचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया जट्टी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां पर मेडिकल कॉलेज के डीन एवं अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आगजनी की घटनाओं से बचाव से जुड़े कार्य करने का निर्देश दिया था, जिसमें चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को आगजनी से बचाव के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश शामिल था। इस निर्देश को तत्काल अमल में लाया गया। नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों को वार्डों में जो मरीजों की सेवाएं करते हैं उन्हें पहले चरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। गुरुवार को करीब आधा सैकड़ा कर्मचारियों को वार्डों में रखे फायर सेफ्टी के लिए सिलेंडरों को आग बुझाने के तरीके बताए गए। सिलेंडर किस तरह से खोलकर आग को बुझाना है यह बताने के लिए नर्सों एवं कर्मचारियों से ही मॉक ड्रिल भी कराई गई। आपको बता दें कि शासन का निर्देश आया है कि केवल सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी का इंतजाम किया जाए। रीवा शहर में संचालित सभी प्राइवेट अस्पतालों को नगर निगम से NOC लेनी होगी। अभी रीवा हॉस्पिटल और विंध्या के अलावा किसी ने फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए हैं। प्रस्तुत है CMO संजय गांधी हॉस्पिटल यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार संजय गांधी अस्पताल के फायर सेफ्टी के प्रशिक्षण का दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन प्रशिक्षण में डीएन मेडिकल कॉलेज रीवा, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय सहित कई अन्य चिकित्सक एवं स्टाफ नर्सेस, इनको प्रशिक्षण दिया गया है। यह निरंतर चल रहा कार्यक्रम है जो 7 दिवस तक चलेगा। साथ ही उनके निर्देशानुसार जो फायर सेफ्टी उपकरण हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।